ऑटो वाले ने बैठाया तो, लेकिन पूरा दूर भाई कवर नहीं करा, आधा दूर तक की लॉकर छोड़ दिया बोला। और भाई लोग कैसे हो? आज लूटने को तो तैयारी हो गया आप सब की। आज बहनों का दिन है तो भाई बस यही बोलूंगा, सतर्क रहो, सावधान रहो और लूटने से आज बचो, क्योंकि ये जो बहने हैं ना आज पूरा स्टॉक खाली कर देगी आपकी। तो भाई देख रहो यार कितना पानी है यार, सच में भाई सच में यार। फाइनली पानी को झेलते हुए मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये रहा मेरा छोटा वाला भाई। ऐसी हमने सिक्स पैक दिखाओ ना सीओ, ऐसी मुंह दिखाओ ना, वाह क्या स्मार्ट लग रहा है, दिखाओ ना। क्या कर रहा है? हाँ, फूल तोड़ रहा है। फूल तोड़ रहा है? हाँ। फूल तोड़ के क्या करेगा? सीएम सुधर गया है। काफ़ी ज़्यादा ही पहले आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है और देखते हैं कब तक शुरू होगा, क्योंकि पटना में निकलना है तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, उसके बाद जल्दी जल्दी निकलेंगे भाई। तो चलो देखते हैं। ये वाला बिल्डिंग बन के तैयार भी नहीं हुआ है? नहीं। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे एक गाड़ी लगा हुआ दिख रहा है, वहीं पे मैं कोविड का इंजेक्शन लेने आया था। वहाँ भाई स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मुझे एक दिन का वेट करना पड़ा था, उसके बाद जाके मैनेज करके मैंने वहाँ से कोविड का इंजेक्शन लिया था। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तों का सामना करना पड़ा था। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भाई ये तो पूरा रोड खाली है यार, ये सही है, नगर निगम वाले ने बिल्कुल सही किया यार, क्योंकि साइड साइड में दुकान लगा देने के कारण काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता था। तो चलो भाई अब तो कम से कम जाम का टेंशन नहीं रहेगा। बस हम सभी पहुंच ही चुके हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और अगर ट्रेन छूट गई तो गए गए, क्योंकि 8:05 में था, 8:05 वाला तो पकड़ा नहीं पाया और अब 8:55 वाला है वो भी ना हाथ से निकल जाए। तो पहले फटाफट जल्दी से चलते हैं यार अंदर में, पहले पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर देते हैं और उसके बाद जल्दी से अंदर में चलते हैं। भाई मुझे तो लगा था आज मेरी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं फाइनली ट्रेन में पहुंच चुका हूं और अब निकलते हैं पटना की तरफ। पाटलिपुत्रा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं भाई, अभी करीब 12 बजने वाली है और चला था मैं करीब 9 बजे करीब में। चलो सही है, तो चलते हैं फिलहाल अभी स्टेशन से बाहर, फिर वहां से अपना पकड़ते हैं कोई ऑटो, फिर वहां से जगदेव पथ और फिर वहां से दीदी के घर। तो चलिए चलते हैं भाई, कितना ज़्यादा धूप हो रहा है यार, तेज आओ चलते जाओ। लिफ्ट पर लिफ्ट बंद है, क्या बात है। चलो मॉर्निंग वॉक, कितना सब हड़ रहा है, मैं उल्टे साइड से भाग रहा है सब। पहले जल्दी से चलते हैं, कोई ऑटो पकड़ लेते हैं यार, वहाँ पे तो बहुत सारी ऑटो लगी हुई है। जगदेव पर जाना है क्या? ऑटो वाले ने बैठाया तो, लेकिन पूरा दूर भाई कवर नहीं करा, आधा दूर तक की लॉकर छोड़ दिया बोला कि भाई अब भाई यहाँ से आगे से कोई पकड़ लो। अब यहाँ से देखते हैं भाई कौन सा जगदेव पथ के ले जाएगा। फाइनली हम सब जगदेव पथ पहुँच चुके हैं
और अभी पहले रोड को क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जो सामने रास्ता जा रहा है वही सीधा रास्ता है। भैया रुक जा रुक जा, तो अभी चलते हैं जल्दी से। तो अभी हम सब डाब खरीदने के लिए रुके हुए हैं। भाई आने समय भी मेरी ट्रेन छूटने वाली थी और जाने समय भी मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, लेकिन क्या कहो यार, नसीब अच्छा होता है तो भाई सब कुछ अच्छा होता है। और फाइनली मुझे ट्रेन मिल गया है, दोनों टाइम मिल गया, दोनों टाइम कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, तो भी हम सब जा रहे हैं वापस घर। भाई लोग फाइनली आज का सफ़र ख़त्म हुआ और अपने शहर मुजफ्फरपुर में आ चुका हूँ। यार अपने शहर की जो बात होती है ना, वो कहीं और की बात हो ही नहीं सकती है। तो फिलहाल डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकलना है भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज, बहुत ज़्यादा। आहार के उधर उधर पार्सल के दूसरा चार्ज, उधर का दूसरा चार्ज है, अलग अलग है। लीजिए अलग अलग है, उधर देखो उधर पीला उधर लाल मिल तो कितना हुआ देख। चार से काटते हैं। लेट्स गो यार, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।